जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से एक बड़ी घोषणा कर दी गई है और ये घोषणा ये है कि पुराने बस स्टैंड पर जो बिल्डिंग है उसे असुरक्षित घोषित कर दिया गया है और इस बात को लेकर वहाँ के जो दुकानदार हैं उनमें काफ़ी रोष देखने को मिला। लगाने का और कुछ भी नहीं है बिल्डिंग में, अगर आप 1-1.5 लाख की पाइप नहीं लगा सकते तो 300 करोड़ का प्रोजेक्ट कैसे कर लोगे। बात तो सारी ये है ना, लेकिन आपने दरारें पड़ती हैं, अगर पीपल के अगर पेड़ उग जाएंगे दीवारों पे तो दरारें तो पूरी बिल्डिंग में पड़ेंगी पड़ेंगी। अगर आप पेड़ को स्टार्टिंग में ही कटवा दो तो क्यों दरारें पड़ेंगी। तो हाँ, रिपेयरिंग तो हर चीज़ को चाहिए जी। हम अपना घर बनाते हैं तो 1 साल बाद तो उसको भी बंदा पेंट कराता है। ये तो कमर्शियल बिल्डिंग है, इस पर तो पेंट कराना ज़रूरी है ना। पेंट कराते हैं तो साथ साथ बाकी भी सफाई होती है, सफाई होगी नहीं तो खस्ता हालत होगी होगी आने वाले टाइम पर। स्मार्ट सिटी जी, बात ऐसी है कि सीधी सीधी बात है, हमारे सामने म्यूनसिपैलिटी ऑफिस है ऊपर, उसकी भी रिपेयरिंग ही चल रही है, उसकी भी बिल्डिंग हटाई नहीं गई, रिपेयरिंग हुई उसकी तो वापस बिल्कुल ठीक होगी बिल्डिंग। वैसे ही अगर थोड़ा बहुत खर्चा इसी पे कर देते वो भी, अगर थोड़ा सा रिपेयरिंग इसको कर देते तो ना दुकानदार खज्जल होता है यहाँ पे, ना उसको डर पड़ता कि वो कहीं जाए। थोड़ी सी अगर रिपेयरिंग भी चलती, अगर 300 करोड़ लगा के इसमें 3 करोड़ ही लगा दें ना तो बिल्डिंग बिल्कुल नहीं हो सकती।